हेलो एवरीवन, हमने अपनी प्रिपरेशन डिस्कस की थी जिसमें हमें मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन से हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाना था। अब हम उसकी प्रिपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन की, जिसे हम 4 ग्राम लेंगे, सोडियम सल्फाइड जिसे हम 6 ग्राम लेंगे, एंड सल्फर पाउडर जिसे हम 2.5 ग्राम लेंगे। यहाँ मैंने दो बीकर्स लिए हैं। एक बीकर में मैंने 75 ml वाटर लिया बिकॉज मुझे पॉलीसल्फाइड सोल्यूशन बनाना होगा जिसमें मैं सोडियम सल्फाइड और सल्फर पाउडर डालूंगी, और दूसरा बड़ा बीकर लिया है जिसके अंदर मैंने 75 ml वाटर डाला है जिसमें मैं 4 ग्राम अपना मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन डालूंगी। पहले हम इसकी वेइंग कर लेते हैं। पहले हम लेते हैं मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन 4 ग्राम। वेइंग के लिए मैंने वॉच ग्लास रख ली। अब मुझे इसके ऊपर 4 ग्राम मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन लेना। ये पूरा आ गया 4 ग्राम मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। इस 4 ग्राम मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन को मैं ट्रांसफर कर दूंगी इस बड़े बीकर में जिसमें मैंने क्या लिया है, 75 ml वाटर लिया। तो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया, मैं इसे साइड पर रखूंगी। मैंने वॉच ग्लास क्लीन कर ली। अभी इसी वॉच ग्लास में मैं लूंगी अपना सोडियम सल्फाइड के फ्लेक्स है, इसको मुझे लेना है 6 ग्राम। आ गया मेरा 6 ग्राम सोडियम सल्फाइड, जिसको मैं ट्रांसफर कर लूंगी इस बीकर में। अब लास्ट में मुझे वेइंग करना है सल्फर पाउडर, इसे मुझे लेना है 2.5 ग्राम। यह आ गया 2.5 ग्राम सल्फर पाउडर। इस सल्फर पाउडर को भी मैं इसी बीकर में लूंगी जिसमें मैंने 25 ml वाटर और अभी 6 ग्राम सोडियम सल्फाइड लिया था। अब जस्ट मुझे इन दोनों को हीट करना है। आप चाहो तो इन्हें साइमल्टेनियसली हीट कर सकते हो, नहीं तो पहले इसे और फिर इसे हीट करते हैं। अब हम इसकी हीटिंग करते हैं।
अब मैंने बर्नर ऑन कर लिया, अब मैं हीटिंग करूंगी। पहले मैं पॉलीसल्फाइड सॉल्यूशन को हीट करने पर रख रही हूँ, ठीक है। ये मेरा पॉलीसल्फाइड सॉल्यूशन है, पहले हम इसे हीट करेंगे। आप चाहो तो साइमल्टेनियसली इसे भी हीट कर सकते हो। जब दोनों सॉल्यूशन गर्म होंगे तब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को यानी कि पॉलीसल्फाइड सॉल्यूशन को अपने मेटाडो नाइट्रोबेंजीन के सॉल्यूशन में शिफ्ट कर देंगे। पर उसके लिए दोनों ही सॉल्यूशन क्लियर होने चाहिए, डिसॉल्व होने चाहिए। इसको धीरे धीरे शिफ्ट करना है ताकि हमें 5 से 10 मिनट लगे शिफ्टिंग करने में। शिफ्ट करने के बाद आप इस सॉल्यूशन को क्या करोगे, हीट कर दोगे फॉर 20 मिनट्स। यहाँ पे मैंने पॉलीसल्फाइड सॉल्यूशन को हीट कर लिया और एक क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया। अब मैं इसे रिमूव करके अपना जो मेटानाइट्रोबेंजीन वाला सॉल्यूशन है उसे हीटिंग पर रखती हूँ। वो एक क्लियर सॉल्यूशन बन गया, अब हम इसकी हीटिंग करेंगे। ये हीट करने पे आपका डिसोल्व हो जाएगा, हल्की सी ऑयलीनेस आएगी, आपके पास क्लियर सॉल्यूशन नहीं होगा। जो मेटानाइट्रोबेंजीन है जब इसे वाटर में डिसोल्व करते हैं तो क्लियर सॉल्यूशन ना ऑब्टेन होगी, हल्की सी ऑयलीनेस आती है। जब वो ऑयलीनेस आने लग जाएगी दैट मीन्स आपका मेटानाइट्रोबेंजीन वाटर के अंदर हल्का सा डिसोल्व हो चुके, आपने उसे इस कंडीशन तक लाना है, ठीक है। और जैसे ही आप इसे ठंडा करोगे, आपने जो एडिशन करना है ये पॉलीसल्फाइड सॉल्यूशन को इसमें डालना है, ये गर्म होना चाहिए, बिकॉज ठंडा होने पे आपका मेटानाइट्रोबेंजीन क्या होगा, रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसे हीट कर लेते हैं ताकि हमारे पास हल्की सी ऑयलीनेस आ जाए। ये जो हमने मेटानाइट्रोबेंजीन को हीट करने में रखा था, ये यहाँ पर ऑयलीनेस आनी शुरू हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा डिसॉल्व हो गया। यहाँ पर कंप्लीट क्लियर सॉल्यूशन नहीं होगा, ये ऑयलीनेस आएगी। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये वापस रीजनरेट हो जाएगा हमारा जो हमने मेटानाइट्रोबेंजीन लिया था उसी में, ठीक है। अब मेरे पास दो सॉल्यूशन हो गए, एक ये सॉल्यूशन और एक ये पॉलीसल्फाइड का सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन हो गए हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, मैंने इस पॉलीसल्फाइड के सॉल्यूशन को भी हल्का गर्म कर लिया, क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन जब गर्म होंगे तब मुझे एडिशन करनी है। अब मेरे को इसमें एडिशन करनी है, पॉलीसल्फाइड सॉल्यूशन को मुझे डालना है मेटानाइट्रोबेंजीन के सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में डालने के लिए मुझे इसे 10 से 15 मिनट देने हैं, मतलब इतना स्लो एडिशन करना है कि एडिशन 10 से 15 मिनट में, मतलब आपने बिल्कुल स्लो स्लो इसमें डालना है और अच्छे से मिक्स करते रहना। आप इस पर्पस के लिए ड्रॉपर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं पूरा सॉल्यूशन इसके अंदर धीरे धीरे डालूंगी ताकि मुझे डालने में ही 10 से 15 मिनट लगे, और उसके बाद मैं इस सॉल्यूशन को हीट कर दूंगी फॉर दी 20 मिनट्स। अब मुझे एडिशन करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मेरा ये लास्ट जो पार्ट है, मैंने बिल्कुल धीरे धीरे डाला है ताकि हमारा सारा इसमें धीरे धीरे ऐड हो, ठीक है। अब मैं इसको हीट करूंगी फॉर 20 मिनट्स। अब मैं इसे हीटिंग पर रखती हूँ 20 मिनट्स की हीटिंग के लिए। मैंने मेटानाइट्रोबेंजीन वाले सोल्यूशन के अंदर अपना पॉलीसल्फाइड सोल्यूशन धीरे से ऐड कर दिया। अब ये क्लियर सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन जैसे मुझे 20 मिनट हीट करना है और देन मुझे इसे आइस कोल्ड वाटर में डाल देना है। अब ये जो मैंने हीटिंग पे सॉल्यूशन रखा था, ये सॉल्यूशन हीट हो चुका है। इसे हीट होते हुए 20 मिनट्स हो गए। यहाँ मैं आइस कोल्ड वाटर लिए, अब मैं ये गर्म सॉल्यूशन को इस आइस कोल्ड वाटर में ट्रांसफर करूंगी। इसमें कुछ सॉलिड पार्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये सारे के सारे सॉल्यूशन को अपना वाटर में ट्रांसफर कर दिया, आइस कोल्ड वाटर में, और इसमें नीचे हमारा सॉलिड पार्ट आना शुरू हो गया। अब मैं इसे क्या करूंगी, फिल्टर करूंगी।
ये मैंने फिल्टर पेपर लगा लिया फनल में, अब मैं इसमें फिल्टर कर रही हूँ। फिल्टर करने के बाद यहाँ से जो सॉलिड पार्ट मेरे पास आएगा, सॉलिड पार्ट जो ऑब्टेन होगा, उस सॉलिड पार्ट को मुझे स्पीकर में शिफ्ट करना है। इसमें मैंने ऑलरेडी HCl और वाटर का मिक्सचर बना लिया। तो बीकर में नीचे सॉलिड पार्ट है, यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो इम्प्योर है, तो मैं को इसे प्योर करना है, तो इसीलिए हम इसे अभी HCl में डालेंगे, HCl वाटर के मिक्सचर में, और देन हम इसे 15 मिनट्स के लिए अगेन हीट करेंगे। ये जो बीकर में हमारे पास सॉलिड पार्ट रह गया, हम इसमें वाटर डाल के वापस इसको इस फिल्टर में डाल देंगे। ये मेरा कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो फिल्टर हो गया और यहाँ पर मेरा सॉलिड पार्ट आ गया। अब मुझे इस सॉलिड को लेना है और इस सॉलिड को मैं अपना डिजोल्व करूंगी इस सॉल्यूशन में, जिसमें इस बीकर में मैंने लिया है 6 ml HCl एंड 20 ml वाटर, इसके अंदर मैं इन सॉलिड पार्ट को डाल दूंगी जो सॉलिड आया। ये जो सॉलिड पार्ट है इसे मैं इस बीकर के अंदर शिफ्ट कर दूंगी। विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला हम ये सारा सॉलिड जो उठा के इस अपने बीकर में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो अभी इम्प्योर है, हम इसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं सल्फर की कुछ इम्प्योरिटीज हैं जिन्हें हमें यहाँ से रिमूव करना है। आप कोशिश करेंगे कि आपका मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर शिफ्ट हो जाए। अगर आप फिल्टर पेपर से नहीं रिमूव कर पा रहे तो आप फिल्टर पेपर का उतना हिस्सा ही अपने इस सॉल्यूशन के अंदर डाल सकते हैं, बिकॉज हमें लास्ट में इसके फिल्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो भी सॉलिड पार्ट आएगा PPTs उन्हें हम रिमूव कर देंगे। जो हमारा अगर एक्स्ट्रा फिल्टर पेपर चला भी गया तो वो फिल्टर पेपर हमारा इस सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। देन मैंने मैक्सिमम अपना पार्ट इसमें शिफ्ट कर लिया, ये आ गया मेरा HCl, ठीक है। अब मैं इसे हीट करूंगी फॉर 15 मिनट्स। अब मैंने इसे हीटिंग पे रख दिया 15 मिनट के लिए। देन मैं इसके को फिल्टर करूंगी, और जो फिल्टर करने के बाद नीचे का लिक्विड आएगा, जैसे अभी मैंने ऊपर के लिक्विड को पार्ट को यूज किया, अब मैं नीचे वाले पार्ट को यूज करूंगी, इसमें अमोनिया डालूंगी। अमोनिया डालने के बाद मेरे पास मेरा डिजायर प्रोडक्ट आएगा जिसको मैं फिल्टर करूंगी। मशीन को हीटिंग पे रखा था, मुझे हीट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हीटिंग से रिमूव करने के बाद इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होंगी और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारा HCl और वाटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया होगा। अब मैं इसे फिल्टर करूंगी। जो बीकर में रह गया ये हमारी इम्प्योरिटीज वाला पार्ट था, ठीक है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें रिक्वायरमेंट है हमारे इस नीचे वाले पार्ट की, यानी कि हमारे फिल्ट्रेट की। ये मेरा फिल्टर हो चुका है, अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया,
ठीक है। अब मुझे इसके अंदर डालना है अमोनिया, ये मैंने अमोनिया ले लिया, अब मैं इसके अंदर अमोनिया डालूंगी। अमोनिया मुझे एक्सेस में डालना है ताकि मेरे पास मेरा प्रोडक्ट बने। मेरे पास पीपीटी बनेंगे मेटानाइट्रोनिलीन के, जो ब्राइट येलो कलर के होंगे। देखो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, वो येलो हो गया और इसमें पीपीटी आने शुरू हो चुके हैं। मैं इसमें एक्सेस में अमोनिया डालूंगी ताकि इसमें कहीं भी अनरिएक्टेड पार्ट हो तो वो रिएक्ट हो जाए। इसमें मेरे पीपीटी बनने स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे देखिए पीपीटी बन रहे हैं साइड में, ठीक है। अब जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा वो मेरा प्योर प्रोडक्ट होगा, किसका, मेटानाइट्रोनिलीन का। अभी जो मेरे पीपीटी आए हैं मैंने क्या करूंगी, फिल्टर कर लूंगी। मैंने एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल लिया था, अब मैंने फनल लगाई है फिल्टर के लिए और ये इसके नीचे बीकर, ठीक है। अब जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वो मेरा लास्ट प्रोडक्ट होगा, यानी कि प्योर प्रोडक्ट, जिसको मुझे क्या करना है, ड्राई करके वेइंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के लिए यूज करना। इसके अंदर कुछ और पार्ट है हमारा, इसमें हम अमोनिया डाल लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे ऊपर सॉलिड पार्ट आने लग गया, ठीक है। अब मैं इसे आराम से फिल्टर होने दूंगी। फिल्टर होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट आएगा मुझे इसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद मुझे इसका वेट एंड मेल्टिंग पॉइंट लेना है, ठीक है। तो ये मेरी नेक्स्ट प्रिपरेशन थी, एक्सपेरिमेंट नंबर 11, यानी कि लास्ट प्रिपरेशन, जिसमें हमने मेटानाइट्रोबेंजीन से मेटानाइट्रोनिलीन को प्रिपेयर किया था। ओके, थैंक यू एवरीवन।